संपूर्ण कलीसिया टोरस के संत मार्टिन का पर्व मनाती है। उनका जन्म 316 एडी में हंगरी में हुआ था। उनका बचपन इटली में बिता और उनकी जवानी फ्रांस में बीती। वे बचपन से ही प्रभु के कार्यों को करने के लिए और प्रार्थना में एवं सादगी में जीवन बिताने लगे। 313 में राजा कॉन्स्टेंटाइन ने भी क्रिस्त धर्म को अपनाया। उनके साथ ही कई लोगों ने क्रिस्त धर्म को अपनाते हुए अपना जीवन यापन करने लगे। वे प्रभु के कार्यों को करते हुए प्रभु के सुंदर गिरजाघर का निर्माण करने लगे एवं कई गिरजाघर बनाते हुए वे प्रभु के कार्यों को बखूबी निभाने लगे। कहा जाता है कि उन्होंने 2 वर्ष तक आर्मी में अपनी सेवाएं दी, परंतु कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उन्होंने 25 वर्ष तक आर्मी में अपनी सेवाएं दी। जब युद्ध चल रहा था तब संत मार्टिन ने कहा कि मैं प्रभु यीशु का सेवक हूँ, उसका सैनिक हूँ, मैं यहाँ पर लड़ाई नहीं लड़ूंगा। इसके कारण उनका उपहास किया गया, उन्हें बंदी बना लिया गया, लेकिन उसके बाद युद्ध नहीं हुआ और उन्हें छोड़ दिया गया। संत मार्टिन 361 में उन्होंने एक मठ की स्थापना की और 371 में उन्हें टोरस का धर्माध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे अपने धर्म प्रांत में अलग अलग जगहों पर जाकर प्रार्थना करने लगे। संत मार्टिन ने अपने धर्म प्रांत को पल्लियों में विभाजित किया ताकि वे लोगों के पास जाकर प्रभु के वचनों को बांट सके, प्रभु के कार्यों को लोगों को बता सके और प्रभु के द्वारा जो चमत्कारिक कार्य उन्हें दिए हैं वे कर सके। वे लोगों से मिलने के लिए, उनसे बातें करने के लिए वे जाया करते थे। वे कभी गधे पर बैठकर, कभी पैदल और कभी नाव में बैठकर लोगों से मिलने जाया करते थे। लोग उन्हें देखकर बहुत हर्षित होते थे, खुश होते थे और प्रभु के वचनों को वे सुनाते जाते और प्रभु की चंगाई को उन्हें दिया करते थे। कई लोग उनके कार्यों द्वारा, उनके वचनों द्वारा चंगाई प्राप्त करने लगे। प्रभु के वचनों को सुनते ही वे स्वस्थ हो जाया करते थे। इस महान संत के कार्यों द्वारा आज कलीसिया कई प्रकार के पापों से मुक्त हो चुकी है। इस संत की मृत्यु 397 में फ्रांस में हुई थी। आज इस संत के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया प्रभु के कार्यों को करते हुए, प्रभु के वचनों को सुनते हुए लोगों को प्रभु के प्रेम को बता सके, लोगों तक प्रभु के प्रेम को बांट सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें, आमीन। Thank you.